दोस्तों आपने कभी मिरर खरीदा है, मतलब जिसको ऐना बोलते हैं। अगर मैं बोलूं कि 90,000 का एक ऐना लॉन्च हो चुका है। अब ये लॉन्च होने वाला वर्ड मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये बैंगलोर और हैदराबाद में प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये दोस्तों AI ऐना है, जिसके हिसाब से दोस्तों इसमें सब्सक्रिप्शन लगेगा मंथली 500 रुपीज, और उसके हिसाब से आपको उसके सामने बाल झाड़ेंगे या फिर वर्कआउट वगैरह करेंगे तो आपके सारी बॉडी स्ट्रक्चर बता देगा, जैसे एयरमैन के फिल्म वगैरह में होता है। ये चीज़ आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है खान, आप देख रहे हैं टेक बॉक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कल के पोल की। कल हमने आपसे पूछा था under 20,000 में सबसे बेस्ट फोन कौन है, तो 90% लोगों ने कहा रेडमी नोट 10 प्रो। और दोस्तों उसका कैमरा सैंपल देखना है, तो ये रहा दोस्तों आपके आंखों के सामने जिससे वीडियो शूट हो रहा है। आपको कैसा लगा और आपके पास कौन सा फोन है under 20,000 में कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो 9 दिसंबर को पबजी मोबाइल न्यू स्टेट में नया अपडेट आने वाला है, जिसमें नया स्किन गन वगैरह सब कुछ जुड़ेगा दोस्तों। तो उसके लिए स्टे ट्यून करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक अंदरंगी न्यूज़ की। दोस्तों अक्सर मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि आप खुद अपने हिसाब से सिक्योर रहिए, क्योंकि गूगल पिक्सल की तरफ से एक दोस्तों यूज़र्स का ऐसा बताया गया है कि वो सर्विस सेंटर गया, वहाँ पर अपना फ़ोन वगैरह बनाया। जब फ़ोन लेके आया दोस्तों तो अजीबो गरीब टाइप का वो हरकत कर रहा था फ़ोन। जब वो देखा और चेक किया तो उसको पता चला कि उसका फ़ोन हैक हो चुका है। और सर्विस सेंटर में जब गया तो वहाँ पर पता चला कि उसका जो डिटेल वगैरह है खुद सर्विस सेंटर चुराया था। इस तरह की कोई न्यूज़ निकल के आ रही है, मतलब कोई कर्मचारी का बदमाशी है दोस्तों। ये आपको ये न्यूज कैसा लगा, इसलिए बोलता हूं थोड़ा सिक्योर आप खुद रहिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं फेसबुक की। तो फेसबुक की तरफ से एक अतरंगी खबर ये आ रही है कि गूगल असिस्टेंट के जैसा फेसबुक का नया असिस्टेंट आ रहा है, जिसके हिसाब से दोस्तों आप अगर किसी को रिप्लाई वगैरह कमेंट वगैरह करना चाहेंगे तो बोल के ही कर सकते। इस तरह की कोई न्यूज निकल के आ रही है, आपको जो भी लगता है अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट। चलिए दोस्तों बात करते हैं व्हाट्सएप की। तो व्हाट्सएप की तरफ से दोस्तों एक खबर आ रही है कि डिसअपीयरिंग मैसेज का जो फीचर था उसको दोस्तों 90 डेज तक का कर दिया गया है। इस तरह कोई न्यूज निकल के आ रही है, आपको जो भी लगता है अपनी राय जरूर दीजिए, और आप ये फीचर्स यूज करते हैं कि नहीं कमेंट में जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं इंडियन ब्रांड मोबाइल की। दोस्तों तो इंडियन ब्रांड मोबाइल में दोस्तों एक और नाम जुड़ने वाला है, और ये ब्रांड ऐसा है जो दोस्तों लॉन्च होगा तो धड़ल्ले से दोस्तों फोन बिकेगा, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा इस पर ट्रस्ट करते हैं। बात करते हैं फ्लिप्स की। इसका एक फोन देखा गया दोस्तों जो डिजाइन वगैरह कुछ इस तरह का, और बहुत ही जल्दी ये दोस्तों लॉन्च होने वाला है। आपको क्या लगता है फ्लिप्स अब जब मार्केट में उतर जाएगा तो शाओमी और रियलमी का क्या होगा, कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं वीवो की। तो दोस्तों दिसंबर में ऐसा बताया जा रहा है कि वीवो का इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में लॉन्च होने वाला है, इसका ट्रेडमार्क फाइल हुआ है। इस तरह की कोई न्यूज़ निकल के आ रही है, आपको जो भी लगता है अपनी राय जरूर दीजिए वीवो का भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, कमेंट में जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं वीवो की अगली खबर की। तो दोस्तों दिसंबर में ऐसा बताया जा रहा है कि वीवो का 2 फोन चाइना में लॉन्च होगा, और IQOO की तरफ से भी 2 फोन लॉन्च होगा। वीवो का 12 सीरीज, 12 और 12 प्रो, और IQOO की तरफ से 5SE और 5NE, ये 2 फोन दोस्तों लॉन्च होने वाला है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है स्नैपड्रैगन 778 और डायमेंसिटी 12,000 वाला दोस्तों 1200 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है, आपको क्या लगता है इंडिया में जनवरी में ये आएगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। और वहीं दोस्तों बात करते हैं वीवो का एक फ़ोन टीना में लिस्ट हो गया है, जिसको दोस्तों ऐसा बोला जा रहा है कि वीवो का Y15S ये फ़ोन है दोस्तों। इसमें 13+2 का रियर कैमरा देखने को मिल रहा है, और दोस्तों स्नैपड्रैगन 480 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। आपको जो भी लगता है अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट। चलिए दोस्तों बात करते हैं मोटरोला की। तो दोस्तों मोटरोला एज X30 ये जो फ़ोन है दोस्तों, इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो इसका सेल्फी कैमरा होगा 60 मेगापिक्सल का होगा। लेकिन दोस्तों आज की जो खबर है वो बहुत ही ज़्यादा अतरंगी है। 60 मेगापिक्सल के साथ ये अंडर डिस्प्ले होने वाला है, और इसका कैमरा सैंपल आ गया जो आप देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रक को साइड में रख के क्वालिटी देखिए किस तरह का है। आपको जो भी लगता है अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट में। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब इन्फिनिक्स की। तो इन्फिनिक्स का दोस्तों नोट 11 ये जो फ़ोन है दोस्तों 13 दिसंबर को लॉन्च होगा इंडिया में। इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है, आप इसके लिए एक्साइटेड है कमेंट में ज़रूर बताइए। और वहीं दोस्तों बात करते हैं इन्फिनिक्स की अगली खबर की। तो दोस्तों इन्फिनिक्स का नोट 11 तो अभी लॉन्च होगा 13 को, लेकिन दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि जनवरी 2022 में इन्फिनिक्स का 5 फोन 12 सीरीज में दोस्तों लॉन्च होने वाला है, जिसमें 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स और 12NE या SE इस तरह का फोन होगा या लाइट वगैरह होगा। इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है, मतलब दोस्तों इन्फिनिक्स भी शाओमी और रियलमी के टक्कर में चल रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं कमाल के न्यूज़ की। सैमसंग और टेक्नो को आप हल्का समझते थे, लेकिन दोस्तों सैमसंग और टेक्नो ये दोनों मिलकर एक से दोस्तों सेंसर बनाने वाला है, कैमरा सेंसर जो RGB सेंसर होगा। इस तरह की कोई न्यूज़ निकल के आ रही है, आप दोस्तों टेक्नो का जो फ़ोन होगा उसमें भी काफ़ी कमाल का आपको
कैमरा क्वालिटी देखने को मिलेगा। आपको जो भी लगता है अपनी राय जरूर दीजिए। क्या आपके पास टेक्नो का फोन है, कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सा फोन। चलिए दोस्तों बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A03 कोर। ये जो फोन है दोस्तों आज इंडिया में लॉन्च हो चुका है, 7999 रुपए प्राइस है। इसमें दोस्तों यूनिसॉक 8963A का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 2GB रैम 32GB इंटरनल मेमोरी के साथ आता है, 5000mAh की बैटरी नॉर्मल सा दोस्तों इसमें चार्जिंग वगैरह देखने को मिलेगा। और दोस्तों 8MP का रियर कैमरा, 5MP का सेल्फी कैमरा, और दोस्तों काफी ड्यूरेबल ये फोन लग रहा है। आपको जो भी लगता है अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट में। ये प्रोसेसर कैसा और ये फोन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों बात करते हैं OnePlus की। OnePlus 9 और 9 Pro में दोस्तों Android 12 का अपडेट रोल आउट हो चुका है। आपके पास अगर है तो जरूर देखिए। वैसे दोस्तों OnePlus का Buds Z2 ये जो है दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि 6000 इसकी दोस्तों प्राइस होने वाली है इंडियन मनी के हिसाब से, और डिजाइन वगैरह कुछ इस तरह का है। आपको जो भी लगता है अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट में, क्या आप इसके लिए एक्साइटेड। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब Realme की। तो दोस्तों 9 दिसंबर को चाइना में लॉन्च होने वाला है Realme GT Neo 2 Pro। ये जो है फोन दोस्तों 8th Gen 1 प्रोसेसर के साथ आएगा, जो देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है। आपको जो भी लगता है अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब Realme के। दो फोन इंडिया के BIS पे लिस्ट हो चुका है, RMX 3310 और RMX 3312। ये दोनों फोन दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि 50MP के साथ दोस्तों आने वाला है, जिसमें 4800mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। आपको जो भी लगता है अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट में। ये कौन सा फोन है, क्या 9 सीरीज का कोई फोन है, कमेंट में जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं आप Xiaomi के। तो Xiaomi का 12 Pro ये जो फोन है 3C सर्टिफिकेशन में लिस्ट हो चुका है 120W फास्ट चार्जिंग के साथ। जब भी आएगा तो आपको सारी डिटेल दे। चलिए दोस्तों बात करते हैं MIUI 13 का चेंज लॉक। आप दोस्तों रोल आउट होना शुरू हो गया है। ये दोस्तों चाइना में गया है, जिसमें चार्जिंग और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग डिजाइन पे दिख रहा है, जो काफी जबरदस्त लग रहा है। और वहीं दोस्तों इसका सुपर लाइट वॉलपेपर में एक और चीज नया घुस गया है, मून लाइट करके जो था दोस्तों उसी के नीचे आप देख सकते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, हल्का सा ब्लर है लेकिन आपको क्लियर दिख रहा है, तो कमेंट में जरूर बताइए कौन सा स्क्रीन है दोस्तों ये सुपर वॉलपेपर, कमेंट में जरूर बताइए। अब बात करते हैं दोस्तों ओप्पो की। तो ओप्पो के इन सब डिवाइस में दोस्तों एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिलने वाला है दिसंबर में, इस तरह की कोई न्यूज निकल के आ रही है। आपके पास ये कौन सा फोन है दोस्तों कमेंट में जरूर। अब बात करते हैं दोस्तों ओप्पो का एक नया टेक्नोलॉजी पे आज उन्होंने काम किया है, जिसमें जूमिंग का दोस्तों नया फीचर्स दिख रहा है, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन में वीडियो के थ्रू आपको दिखता होगा। तो ये फीचर्स आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर। चलिए दोस्तों टेक न्यूज होती है खत्म, बात करते हैं दोस्तों कुछ ऑफर्स की। तो दोस्तों मोबाइल बोनेंजा सेल फ्लिपकार्ट में शुरू हो गया है, 7 से लेकर 8 तक चलेगा। तो जाइए, बेस्ट डील्स मिल रहा है मोबाइल वगैरह में, तो जाके देखिए। अगर आपको चाहिए दोस्तों तो कमेंट करिए, आपको वीडियो बना के जरूर देंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नया मेहमान तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि हम थोड़ा बिजी थे, और मॉर्निंग का वीडियो कल आएगा दोस्तों, क्योंकि हम रात में सोए नहीं थे, इसलिए दोस्तों वीडियो नहीं आ पाया सुबह में क्योंकि हम सो गए थे।